जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हों सिसकी न सुने मजबूरों की, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है, उस देश के हर एक जालिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब, आज मेरा ये वीडियो पैगाम आईजी सिंध पुलिस रिफत मुख्तार साहब के नाम है। आईजी साहब, मैं सिंध की वो बेटी हूँ कि जिसने अपने बाप दादा और चचा का जनाजा एक ही दिन में उठाया। मैं 6 सालों से इंसाफ के लिए मारी मारी फिरती रही हूँ, मेरी जान को शदीद खतरा लाहक है। आईजी साहब, आपकी पुलिस की जानिब से मेरा केस खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मुझे हरास किया जा रहा है। SHO इमदाद चांडियो, जिसका वालिद मेरे केस में अक्यूज्ड है, जेल कस्टडी में मौजूद है, और सरदार चांडियो, वो भी इसी सेम केस में, ट्रिपल मर्डर केस में अक्यूज्ड है, तो उसी SHO को सरदारों के होम डिस्ट्रिक्ट में किसने पोस्टिंग दिलाई है? आप जरा इस पे गौर करें। आईजी साहब, मैं आप में उम्मीद रख के ये बात कह रही हूँ क्योंकि आप बात करते हैं अमन की, आप बात करते हैं कि एक चेंज आएगा, तो मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी पुलिस के इन भेड़ियों को नहीं पहचान पा रहे तो आप अपने डिपार्टमेंट पे पढ़ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून। आप फिर ये उम्मीद ना रखें, ये आप गुमान भी ना रखें कि कोई अमन हो सकता है, कोई चेंज आ सकता है। जब मैंने आपके डिपार्टमेंट से हाई ऑफिशियल्स से बात की है तो उनका ये कहना है कि ये कोई सियासी पोस्टिंग नहीं है। आईजी साहब, मैंने कोई बात विदाउट प्रूफ नहीं कही है, मेरे पास इस बात का सबूत मौजूद है कि IG सिंध पुलिस मुश्ताक महर साहब रहे थे, DIG नासिर आफ्ताब, DIG नईम अहमद शेख साहब, इन सब ने इन रिटन सुप्रीम कोर्ट में इसी SHO का नाम दिया है कि इसको सियासी पोस्टिंग दी गई है, सेम डिस्ट्रिक्ट में सेम पुलिस स्टेशन पे। उसको 2 साल पहले आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि सियासी पोस्टिंग है, और 2 सालों के बाद आप उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको पोस्टिंग देकर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट है। वो 2 सालों में इतना कॉम्पिटेंट हो गया कि आपने उसी SHO को उन्हीं लोगों के, उन्हीं सरदारों की गोद में बिठा दिया है। आईजी साहब, ये बड़ी नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे थ्रेट है, मुझे DIG साहब की जानिब से ये बोला गया है कि हम मेक श्योर करेंगे कि ऐसी बात आगे ना हो। किसी और डिस्ट्रिक्ट का SHO जिनके साथ एक मसला हमारा चल रहा है, वो किस तरीके से मेरी सिक्योरिटी के मामलात में इंटरवीन कर रहा है, और उसने जो किया उसका अजाला कौन देगा? मुझे बोला जा रहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि जो हुआ, क्योंकि मेरा जो केस में विटनेस है उसको इस बात का इतना असर हुआ कि ये पूरी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, वो कोर्ट के अंदर बयान देते हुए बेहोश हो गया। उसको इतना प्रेशराइज किया गया है कि एक अक्यूज का बेटा खड़े होकर हमारी चेकिंग करवाए, वो इंस्ट्रक्शंस दे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप इनकी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चेकिंग करें, या वो खड़े होकर हमें ये मैसेज दे कि ये सिस्टम इन कातिलों, इन जालिमों के साथ है। तो ये बहुत नाइंसाफी है जी साहब, इस चीज का नोटिस ले, अदरवाइज आप ये गुमान छोड़ दे कि सिंध में कोई अमन हो सकता है। मैं हैरान हूं कि मेरा केस इतना हाई प्रोफाइल केस है जिसको नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। इस वाक्य में IG सिंध पुलिस की सुप्रीम कोर्ट तक पेशियां होती रही हैं, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सब किया जा रहा है कि SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं यहाँ पे महफूज हूं? मैं क्या उम्मीद रखूं कि जागीरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? मैं ये जस्ट बोलना चाहती हूं कि खुदारा होश के नाखून ले, मेरी जिंदगी खतरे में है, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब भी होगा और सिंध पुलिस भी होगी, पूरा डिपार्टमेंट। शुक्रिया।